नाज़रीन, उसामा बिन लादेन के मारजी वरण का केतरा ही मामला अजा क्लियर ना हैं। लगे तो पाकिस्तान सरकार भी काफ़ी मोंझारे जो शिकार है। आवाम आरो इन मामले ते खुली गलण लाए तैयार ना है। इन हवाले से मुख्तलिफ सवाल जहाँ जवाब घुरण की कोशिश कराँ। असा मेहमान हैं कानूनदान शुहाब ओस्तो साहब ए सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अली अहमद रिंद साहब। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्पेशल एडिशन में हाजिर आयूँ। शुहाब ओस्तो साहब, डॉक्टर अली अहमद रिंद साहब असेंजे स्टूडियो में मौजूद है। उनके वेलकम चूं था पे प्रोग्राम में। शुहाब साहब, पे तारे चूं था तो हि सो मामलो उसामा का सूरत हाल पैदा थी है। ये नो लगे तो पाकिस्तान एक नए इम्तिहान में घेर जी वो है। सही, पाकिस्तान तो इम्तिहान में घिरे न घिरे, पर गरीब मूँ वेचारो अधिक पिसबो छा हि ब्रिंकमैनशिप हल थी। वॉर लगे तो पाकिस्तान के बो को प्रॉब्लम को सवाए अलकायदा ए तालिबान एको वॉर ऑन टेरर जो डायनमिक्स था हलन पाकिस्तान में, बस उ लगे तो असि एस्टैब्लिशमेंट असि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ उन में रुधल है। बाकी जो ह्यूज बो प्रॉब्लम हले तो जो अंडर करंट्स वॉर जहाँ असि सोसाइटी में बुख जहाँ सोसाइटी में बैकवर्डनेस जो लॉ एंड ऑर्डर वे तो ढूं खराब थो हाँ उन का तवजह ही को खास तौर के क्रिटिकल मूमेंट हाँ फ्लड्स मथा अचान वा या जी सूरत दसो था तो मतलब वो बिल्कुल एडॉकिज्म है। एडॉकिज्म तक जी नज़र इंदी अड़न मौक क्रिटिकल मूमेंट्स में वधी वेंदी छो तो तक उतने लीडरशिप सजी फोकस्ड हूँ पर उन इशूज तो जिनको सोसाइटी से ताल्लुक ही कोने। वॉर ऑन टेरर नो डाउट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, पर इन जी ओनरशिप तो अजा ताई न तो असि गवर्नमेंट कबूल कई न असि आवाम कबूल कई है। ये लगे तो इम्पोज्ड एक वॉर है जैसे तुम पको ड्रैगन था कर ये जो रिसेंट वाक्य थो ओबामा जो ओसामा जो जो मर्डर जै ड्रामाई अंदाज में थो जै उन जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में थो उन हाने उन दुनिया में एनालिसिस पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस उनका अगते हली जो नतीजा निकरंदा तो पाकिस्तान जो जो दुनिया में जो बेहक है असो तो क्लेम यो आ वॉर ऑन टेरर के खिलाफ वे वो असो वैनगार्ड है फ्रंट है जैसे दुनिया हाँ सोचे तो शायद पाकिस्तान भला तो खुद जो वॉर ऑन टेरर जो वे वो एक ये खड़ी चो तो ब्रीडिंग ग्राउंड आ जिता वॉर ऑन टेरर जो सो इम्पोर्ट भी थे थी एक्सपोर्ट भी थे थी। तो यानी हाँ मां समझा तो असो अस बारे में परसैप्शन है जे भी असं कुर्बानी डिनी है टीह पटी हज़ार जो असा सिविलियन सिक्योरिटी जहाँ अमलदार शहीद थे मतलब उनकी जैसे इकोनॉमिक लॉस थो 68 बिलियन डॉलर्स तो गवर्नमेंट पा मे थी हाँ वो तो सजो मुझे ख्याल में हाँ इरेलीवेंट थी हाँ जैसे तवे गैरिसन टाउन में जैसे दुनिया जो मोस्ट वॉन्टेड मैन जैसे निकरे तो जै तरीके से ऑपरेशन थी थे उनमें असि खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज की जहाँ कैपेसिटी है या जो एफिशंसी है वो अंडर क्वेश्चन थी तो मतलब एक खराब इमेज निकलो मां समझा तो पाकिस्तान के बारे में जनरली जो असो असा हमेशा खड़ी घूमता वरत तो भाई असा तो पान एक सैक्रिफिशियल लैम बनाया वेठा हूँ असा कुर्बानी जो बकरो बनाया वो अस तो पान जो सो इन सजे वॉर जहाँ शिकार थे हाँ वो सजो नैरेटिव खत्म थी वो हाँ यो तो भाई पाकिस्तान बजा से खुद जो ये दुनिया जो तो गुजरल इन रिसेंट पास में 8-10 जो मेजर फंक्शनरीज हुआ अलकायदा जहाँ उए तहाँ अर्बन एरियाज में पकड़िया अतों उन एरियाज में वेठा जिते तहाँ सोचे न पा सको छो तो ओवरऑल व्यू यो तो भाई ये वेठा फाटा में पहाड़न में काते जिते तहाँ पुजी को सको एक्सेसिबिलिटी जो प्रॉब्लम है। पर जो तेजे घर में था निकरन अड़े तरीके से वो रहा पाया जो उनके बाकायदे एकोमोडेट किया जो उनके बाकायदे कैटर किया उनके सभी नीड्स के इन मैसेज वो सो आई एम सॉरी मतलब सूरत यकीन असि अना खिलाफ ही वी असो क्रेडिट न मिलो सही हाँ उसामा जैसे इतने मिलो है डॉक्टर अली अमान था अचों उसामा एबटाबाद में हथ आया उनके ऑपरेशन में मारे भी छदों हाँ जहाँ बी डिमांड सामू पी अचे तो 12-14 मूल बया भी यकीन हो तो वे तो यकीन पाकिस्तान में होंदा उ इन सजे सूरत हाल में पाकिस्तान किए मुड़ी वाकई जरूरी ना तो मूँ इतने मौजूद हुजन पर जो सवाल इन सवाल उठन था उन पाकिस्तान की पोजिशन ढी खराब थी उनके पाकिस्तान क्या मोटी दिस हाँ ये तो 9/11 का पैं दुनिया तस्वर कर तो उन जमाने में
पाकिस्तान के अंदर न रुगो असा तालिबान हुकूमत के तस्लीम के वेठासी पर दुनिया भर के अंदर जी भी जिहादी तनजीमू हुई उन्होंने कें हद तक असा ओनर ओन पे कर असा स्टेट लेवल से या असा एस्टेब्लिशमेंट काबिज आया ताकतवर आने एक फॉरन पॉलिसी के एज ए टूल जैसे एक्सट्रीमिज़म के इस्तेमाल कही रही है जो सारी दुनिया जाने थी अस बड़ी डिनायल में हुजूँ पर दुनिया की खबर हुई तो जो मुख्तलिफ़ तनजीमू अज भी हुए तनजीमू मौजूद हैं लश्कर तैयबा जमायत दवा या जो मुख्तलिफ़ ऑर्गनइजेशन चयन थी तालिबान या उन बाद में जो एक रुझान हो तो मजहबी शिदत पसंदी दे एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद हो 9/11 का उनमें अस इंटरनेशनल कमिटमेंट में हलिया वासी तो असा पार्टनर आयूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी जहाँ जो वार एंड टेरर में जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो गोल्स हैं या जो टारगेट्स हैं असा उन्होंने बिल्कुल पार्टनर आयूँ उन पाकिस्तान के मदद या इमदाद फौजी इमदादी तौर पर या बी इमदादी तौर पर मिली रही है तो हाँ इतने आए तो असि क्लियर ऑनेस्ट स्टेट की पॉलिसी या डायरेक्शन तय करनी है तो असो ओपन डेमोक्रेट लिबरल सोसाइटी थे चाहूँ था या वाकई जो पुराने जमाने की मेडिवल दौर जो जी सोसाइटीज़ होंद जिनके अंदर ये सागो खराफात होंद तो हाँ इनमें हिंसर भी कन्फ्यूजन आुद मुख्तलिफ मीडिया में न्यूज़ में प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक चैनल से जो डिस्कशन ऐसो था उन्होंने अंदर भी अना तो कोने असो ओन क्यों तो बिल्कुल पाकिस्तान अड़ो डेमोक्रेट कंट्री है जिनको खुद अलकायदा या जो एक्सट्रीमिज़म भी दुश्मन आज इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे समझे थी तो उन्होंने मुखालिफ है उो ही असो हिंसर भी जान ई पाकिस्तानी सॉवरेंटी से वार थो या मुख्तलिफ अड़ी किस्म जहाँ बहस कर मामले के मुंझाया घो तो वे इतने खुद असानी सिटिंग जो गवर्नमेंट है वह एडी कन्फ्यूज है जो सुन जैसे गवर्नर मारजी तो वे तो उन्हें तो वो ओनरशिप को कन सही जो तुम चो तो मामले के मुंझाया तो वे पर इन मौके से जैसे हुकूमत जमूरा उ मामला जे हिंसर ताज़ा अमेरिका से गाल में थे हुजन या दहशतगर्दी के हवा से जंग है उनमें पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है जे मामला तय थन जी गाल पब्लिक कर पब्लिक के एतमाद में वे तो इन मुंझारे में निकरी सके तो बिल्कुल पर इं तो ही ड्रोन अटैक्स से एक तरफ स्टेट लेवल से अस उन कोऑपरेशन में आयो वो बार बार चवंदा रहा तो भाई असा पाकिस्तानी जहाँ हुकूमत है उन्होंने तरफा का अड़ी मना कोने थियल पब्लिक कंजम्पशन लाइक बी स्टेटमेंट दिनी वही थी लाइकवाइज जो असानी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वह उन्होंने मुख्तलिफ दिफाई मुआहदन में उनको पार्ट रही है अज की गाल को हि जो हाँ सॉवरेंटी जो इशू था आन तो याद कि फिफ्टीज के अंदर सीटो सेंटो या उन दौर में जो कोल्ड वार हुई उनमें अमेरिकन्स की या वेस्टर्न वर्ल्ड की पाकिस्तान की जो अस अलाई थी बी रहा उन बाद में अफगान वार आ पूरे की पूरी पाकिस्तान के सॉयल तक विढ़ी वही उन टाइम से सॉवरेंटी क्वेश्चन में नी अचे हि जाने वाने एकड़े तरफ असानी जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वह इन कुवतन के नाराज नी कर चाहे उन्होंने किन ऑब्लिगेशन्स में आए बे पास मुख्तलिफ मानून के बचे थी छे जो मानून के कन्फ्यूज कर रहा है तो भाई न अस माना हि सो डो सियासी हुकूमत जो फलाने जो कें भी डो को याद बिल्कुल न कर मना कर तो भी अस वार ऑन टेरर की जो एजेंडा है उनमें अस पार्टनर ना कें भी उन्हें शामिल ना अस क्विट क्यों था क्विट कर दिखो वो थो आयो भी सही पर पब्लिक कंजम्पशन लाइ वे मानून के चो तो ना वो जुलुम थो वो माना असा सा ज्यादती थी वही मानून के चौथा इस्तेमाल किया सॉवरेंटी गारंटी करण तुम्हारों कम है हि मुल्क है उनके ताकतवर आधार है सॉवरेंटी उ गारंटी कर पब्लिक डिबेट्स या मीडिया या प्रोग्राम तो को सकन अशोक साहब अवान इन थोड़ा रोशनी विझो तो एडो सारो वाक्यो थो तमाम वो वाक्यो है पाकिस्तान के लिए खास तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल में भी यह शायद तमाम घो नुकसान दई सके थी पाकिस्तान सरकार छो खामोश है पब्लिक जो एडो छो नी अचे जो ओबामा अची वो इन मामले से हिलरी क्लिंटन अची वही बया अची वह पाकिस्तान वजीर अजम के छो न अच्छा खे सदर छो तो ओबामा तो वजीर सदर के फोन कई है फोन करना अलग मामलो है पब्लिक के सामू छो था प्रॉब्लम यो आ पाकिस्तान में यूनिटी ऑफ कमांड को पाकिस्तान में जो सेंटर आ जे स्ट्रेटेजिक डिसीशन वठण जो वो डिवाइडेड आ बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेटेड आ ठीक है ना
अमेरिका में के पाकिस्तान से कंपेयर करण मुझे ख्याल में मुनासिब न थो तो जो सिस्टम जो ढो स्ट्रक्चर्ड आ डेमोक्रेटिक उन इदारा हर इदारे जो पोड़ो कम आो कम करें उनो पूरी पैरामिड ठहंदी जी खत्म थी प्रेसिडेंट से असा वो वर्टिकल जो स्ट्रक्चर आ पावर जो वो ये को असा वट हर दिन तो फोर्सिस वेठा स्टेट एक्टर्स भी वेठा नॉन स्टेट एक्टर्स भी वेठा ठीक है इंस्टिट्यूशंस भी वेठा ब्यूरोक्रेसी भी वेठी आ सब कें पाँ पाँ एजेंडाज आन स्टेट फंक्शनल डेमोक्रेसी अ इस्टेब्लिश न कर सकी आ तो वह जो हदबंदी आ ठीक है मतलब मर्जी पवे तो चीफ जस्टिस साहब पाँच तरफा इलेक्ट्रिसिटी के बिलन तो जो एक्शन खड़ी पी तो रहे खंड जो प्राइस जो इंडेक्स के ऐसी डिसीशन तो करे तो एतरी में खंड विकण हाँ उनकी वजह ये है तो कंटिजेंसी बेसिस से असो डिसीशंस था वो जो मसला पैदा थन था अस उनमें रिस्पॉन्ड था क्यों रिस्पॉन्ड था क्यों वी डोंट एक्चुअली प्लेन तो जो पंजन साल या कुछ महीनों या कुछ साल तुम प्लैन ठाईंदा तो हाँ पाकिस्तान में जो मौजूदा बुहरान है यो बुहरान बेसिकली अक्यूमुलेटिव आोड़े ढी बुहरान को इनके पुठिया तमाम घना हिडन ओपन फोर्सिस जिनका इंट्रस्ट आज ठीक है हाँ जी वॉर था विड़ो पाकिस्तान की हिंसा वॉर आ मुझे ख्याल में मुनफरिद वॉर आ पाकिस्तान नो विड़े पाकिस्तान इन वॉर में शामिल आ इन वॉर की जो डायरेक्शन है इन वॉर की जो स्ट्रेटजी है इन वॉर जो ओवरऑल जो फ्यूचर जो कोर्स है वो डिटरमाइन अमेरिका तो करे ठीक है न प्लस पाकिस्तान के अमेरिका एक तरीके से जो कॉलिशन फंड है वो ये खड़ी चवे रेंटल आ ठीक है ना वो रेंटल्स तो बाबा ठीक है तुम एतो खर्च कर फलाने जगह वो ऑपरेशन कई अस पैसा दूँ था तो हाँ असो रोल है बेसिकली वो एज अ सब्सिडरी आ ठीक है असो डोमिनेंट रोल को तो मैं हाँ तक टे जवान टे लेयर्स तो लेयर है जो असो फेडरल गवर्नमेंट जो है जो सिविलियन गवर्नमेंट जो है उन मथा जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है उन मथा वो अमेरिकन फोर्सिस वेठा मतलब वज़ीर-ए-आज़म वटि क्लियर न हों तो हाँ तो प्रेसिडेंट साहब कुछ वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ तो चे प्रेसिडेंट साहब तो चे असि इनमें कें किस्म की न हुई ठीक है मतलब अड़ी वही गाल कर हेड ऑफ द स्टेट वरी हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो चे तो नो बिल्कुल सहकार रो हालांकि ओबामा भी ओबामा के भी उतने घुर्ज पोलिटिकल माइलेज पे इंटरनल पॉलिटिक्स में ओबामा जो भी ख्याल आ तो इनके अड़े तरीके से ही जो सो खणज प्योरली अमेरिकन ऑपरेशन हुई ए खुद माखे भी लगे तो वाकई प्योरली अमेरिकन ऑपरेशन आ घट में घट जो उनको लॉजिस्टिक्स था बुधाइन ठीक है वो लगे तो अमेरिकन ऑपरेशन आ बाकी हाँ ज़ाहिर खबर तो होंगी इनके जैसे पैरों हेलीकॉप्टर क्रैश थो या पा डिस्ट्रॉय कर तो उनके विदइन 10 मिनट्स जो उसे फोर्सिस जमा थी ठीक है सो हाँ यो चवन तो मुमकिन को खबर न पी होंगी पर इंटरफेरेंस छाया न कर सकया इन्हें जो एक्चुअल जो ऑपरेशनल जो 40 मिनट्स जो टाइम रो उनमें असा फोर्स इन्वॉल्व रहा न रहा या स्पेक्टेटर्स की बीठा रहा दिसंदा रहा उन डॉक्टर साहब गाल कई हाँ इन मसले से जैसे मूँ सोचे तो यकीन यह गाल दिमाग में अचे तो भाई आखिर पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट आ यो मतलब या दादागिरी तो नी ना जो तक मुल्क में गिरी वो ठीक है वो वनूँ था तो इंटरनेशनल टेररिस्ट वेठो इज मोस्ट वॉन्टेड डिक्लेयर्ड आज पॉलिसी भी आगे जिते भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिली अस एक्ट कदा पर घट में घट इन्फॉर्मेशन तो इन पा अशोक साहब गाल ब्रेक ब्रेक जो टाइम ब्रेक इन ही बहस के कंटिन्यू क